40 मजदूरों को यूपी के राय बरेली में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल सभी मजदूर पथरिया इलाके के रहने वाले हैं और सभी मजदूर ईंट का काम करने के लिए गए थे। ठेकेदार ने मजदूरों का हुक्का पानी बंद कर दिया। मजदूर और उनके बच्चे 4 दिन से भूखे प्यासे हैं। परिजनों ने कलेक्टर और एसपी से छुड़ाने की गुहार लगाई है। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार रोहित कश्यप फोन लाइन पर जुड़ गए। रोहित, विस्तार से समझना चाहेंगे पूरे मामले को। जो कि पिछले दिनों से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य गए हुए थे और तथाकथित जो ठेकेदार पास को उनका बस दिया गया है। मजदूरी तो कराया जा रहा है लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है और वो लोग दाने दाने के लिए भी मोहताज हो गए। बड़ी बात यह है कि के पास उनके जो परिजन है मुंगेली जिले में रहने वाले हैं उनकी तरफ जब उनको पास जब जानकारी पहुंची तो उन्होंने कलेक्टर एवं एसपी से पूरे मामले की शिकायत करते हुए मजदूरों को मजदूर बंधक है उनको छुड़ाने की मांग की है। जी रोहित, जैसा कि आपने जिक्र किया कि कलेक्टर साहब से भी इस बात को लेकर के ज्ञापन भी सौंपा है, शिकायत कर दी गई है, कलेक्टर साहब क्या आश्वासन दे रहे हैं? जी रोहित, और पूरे इस मामले जांच कराकर प्रशासन को मदद की जाएगी, वो हर संभव मदद की जाएगी। और अभी एक बड़ी बात ये रिक्शा में आई है कि लोग गए हुए हैं कहीं न कहीं ऐसे प्रशासन और मुंगेली जिले के प्रशासन को भी इस ओर रोहित, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम चाहेंगे कि आप नेटवर्क में आने की कोशिश कीजिए ताकि हम आपको ठीक से सुन पाए। और चलिए इसी बीच हमारे साथ मजदूर के परिजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यशवंत जी, बहुत स्वागत आपका। जी यशवंत जी, आपको कब जानकारी लगी कि आपके जो परिजन है वो उन्हें बंधुआ मजदूर बना लिया गया है? आपने कब इसकी शिकायत की? मेरे को तुरंत रिंग किया मैडम कि ऐसा ऐसा तकलीफ है हमको, ऐसा बोल कर किया तो मैं परसों गया तुरंत कलेक्टर और अपने एसपी के पास मुंगेली। उसके बाद अपना एसपी साहब वहाँ अपना किया, फिर फोन वगैरह कुछ किया, उसके बाद यहाँ आज पहुँचा है। जी, जैसा कि कलेक्टर साहब से भी आपने शिकायत की थी, ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे, क्या आश्वासन मिला है? हमारे कलेक्टर और एसपी से तो बहुत अच्छा व्यवहार मिला। लगभग कितना समय लग सकता है, ऐसा कुछ कहा होगा कलेक्टर साहब ने भी आपसे? नहीं, तुरंत बोला, तुरंत यहाँ से अपना आदमी आ जाएगा ऐसा बोल कर किया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और लगातार हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं। जी रोहित, पहले आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जी देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस इलाके में रायबरेली के जिस इलाके में मुंगेली जिले के 40 जो मजदूर हैं उनको बंधक बनाया गया है, जानकारी के मुताबिक उसके आस पास के इलाके में क्या आश्वासन दिया है कि कितना वक्त और लग सकता है? वहाँ जिला प्रशासन अधिकारियों से, इसके अलावा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से भी इस पूरे प्रकरण में मदद के लिए भी बात की है और पहल भी की है। और अभी अब से कुछ ही देर पहले उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ठेकेदार पर मामला दर्ज हुआ है उसके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई हो और सभी मजदूरों को छुड़ा लिया जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रोहित। वही सागर के मकरौनिया में हाउसिंग बोर्ड की